हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, रोल ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट। जो ब्रेक ड्राफ्ट होता है स्पिनिंग में, वो उसका क्या रोल है, मतलब वो क्या क्या चीज़ को अफेक्ट करता है, क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, वर्किंग को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ इसको देखना है अपन को। और सबसे पहले ब्रेक ड्राफ्ट क्या चीज़ पहले समझे, ड्राफ्ट इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रोलर टू ओपन द ट्विस्ट ऑफ फीड मटेरियल। समझ लो आपकी ड्राइंग में ब्रेकर में है, ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है कार्डिंग में जब अपना कैन के अंदर मटेरियल डालते हैं, हल्का सा कर्लिंग करते हैं, उसमें हल्का सा ट्विस्ट रहता है, वो ट्विस्ट को ओपन करने के लिए ब्रेकर में ब्रेक ड्राफ्ट देते हैं। और ब्रेक ड्राफ्ट में भी ब्रेकर ड्राइंग में भी कर्लिंग होकर डिब्बा में स्लाइबर जाता है, उसको अनट्विस्ट करने के लिए अपन आरएसबी में ब्रेक ड्राफ्ट रखते हैं। ऐसे ही मतलब पीछे का मटेरियल का अनट्विस्ट करने के लिए मशीन में जो थर्ड और सेकंड रोलर बीच में हल्का सा ड्राफ्ट दिया जाता है, उसी को ब्रेक ड्राफ्ट बोला जाता है। और ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है, अगर सही मटेरियल के हिसाब से सही नहीं लगाओगे, कभी अनड्राफ्टेड आएगा, कभी स्लॉप पास करेगा, वर्किंग ख़राब रहेगा, आईपीआई ज़्यादा आएगा, क्लसिमेंट फट ज़्यादा आएगा, मतलब क्वालिटी का ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेक ड्राफ्ट है। और ये क्या क्या चीज़ को अफेक्ट करता है वो आपको ही बताऊँगा। और उसके बाद देखो, इट ब्रेक्स द इंटर फ्रिक्शन फ्रॉम फाइबर टू फाइबर। जो फाइबर के आपस में जो मतलब आपस में जो एडहेसिवनेस है, मतलब आपस में जो चिपका रहता है, इसको हटाने के लिए ब्रेक ड्राफ्ट दिया जाता है। और उसके बाद गिव्स फाइबर्स पैरेलल टू रोविंग या स्लाइबर एक्सिस। जो ब्रेक ड्राफ्ट जो देते हैं, जैसे ये समझ लो स्लाइबर है या रोविंग है, वो जब अपना ब्रेक ड्राफ्ट काम कर देगा, उसके बाद फाइबर ऐसे ही पूरा सीधा सीधा उसी में जाएगा, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा, पूरा पैरेलल जैसा हो जाएगा, ताकि मेन जोन में जब ड्राफ्टिंग करेंगे वो उसमें आसानी से ड्राफ्ट हो जाएगा, क्वालिटी सही रहेगा। वो देखो आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। समझ लो कटन कोर्स काउंट या बेल प्लकर लगा हुआ लाइन में, चाहे आप 30 काउंट बनाओ 40 काउंट बनाओ, अगर आपकी लाइन में बेल प्लकर लगा हुआ तो उसमें, और मिलांज कटन मिलांज प्रोसेस में जहाँ अपन स्लाइबर का मिक्सिंग लगाते हैं, ये तीनों केस में आप ब्रेकर ड्रिंग में 1.51 ब्रेक ड्राफ्ट रखना है। क्योंकि आपको समझा देता हूँ, ये कोर्स काउंट में अपना फाइबर का लेंथ कम रहता है, स्ट्रेंथ भी कम रहता है, तो इसमें ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। और बेल प्लकर सिस्टम में क्या होता है, जो मॉडर्न लाइन आया ब्लोरूम लाइन, बेल प्लकर सिस्टम में बेल से जब कटन प्लकिंग करता है, बिल्कुल रेसा रेसा ओपन करके ले लेता है, तो इतना बढ़िया ओपन रहता है, उसमें आपको ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मिलाज कटन हो गया, आपकी कार्डेड स्लाइबर या कोम्ड स्लाइबर ही डलता है, तो जबकि स्लाइबर डलता है उस पर फिर अपन को ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, 1.51 बहुत है ब्रेक ड्राफ्ट ब्रेकर ड्राइंग के लिए। ऐसे ही उसी मटेरियल का फिनिशर ड्राइंग में देखो, कार्डेड में 1.28, कोम्ड में 1.16, और सिंपलेस की केस में कार्डेड में 1.12, कोम्ड में 1.09। तो इतना में अपना ये एक सिस्टम है, फाइबर क्या डाला इधर से मालूम पड़ता है, उसी हिसाब से हम आगे सेट करते रहेंगे। और इसके बाद आपको, आप ये मत सोचना कि रिम फ्रेम छूट गया, रिम फ्रेम का भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मीडियम फाइन काउंट मिक्सिंग फ्रॉम बेल्स, यहाँ देखो अलग प्रकार का आ गया। समझ लो मीडियम और फाइन काउंट चला रहे हो और आपकी बेल से मिक्सिंग बनता है, कटन बेल अपन तोड़ के मिक्सिंग बनाते हैं, तो उस केस में 1.71 जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कार्डेड में देखो 1.28, कोम्ड में 1.16 उतना ही रहेगा, और सिंपलेस में 1.13, और कार्डेड में कोम्ड में 1.10।
और आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे मीडियम ऑफ फाइन काउंट में कभी कभी हम लोग एक्सपोर्ट के लिए सुपर कोम्ड का मटेरियल बनाते हैं। सुपर कोम्ड का मटेरियल क्या होता है, 22-23% नायल निकालते हैं, पूरा एक्सपोर्ट लाइक बढ़ाते हैं। उस केस में कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको जो RSM का 1.16 है उस पर अपन छोटा सा पुली बना के इसको 1.05 तक ले लेते हैं, 0.5 तक भी चल जाएगा। अगर सुपर कोम्ड है, सुपर कोम्ड नहीं है तो 1.16 ठीक है। उसके बाद देखो सुपर फाइन काउंट, सुपर फाइन काउंट मतलब आ गया कितना, 80 काउंट, 100 काउंट, 120 काउंट, ऐसे ही आ गया। सुपर फाइन काउंट में क्या करना, ब्रेकर में 1.71, कभी कभी बिल्कुल लंबी फाइबर हुआ जैसे मतलब 38 mm का हो गया, सुदान कटन हो गया, अमेरिकन कटन हो गया, इजिप्टियन कटन हो गया, तो उसमें लंबी फाइबर के कारण कभी कभी 2.0 का भी ब्रेक ड्राफ्ट रखना पड़ता है ब्रेकर ट्रेंग में। मतलब DCA 32 भारतलक्ष्मी इंडियन कटन भी 37-38 mm जब आ जाएगा 1.71 तक क्या 2.0 तक भी रख सकते हो। और उसके बाद देखो कार्डर में 1.41 फिनिशर में, 1.28 कोम्ड में, 1.15 सिंपलेस में कार्डर में, 1.11 हो गया कोम्ड में। ये होगा उसी हिसाब से फाइन काउंट का, सुपर फाइन काउंट का। उसके बाद देखो सिंथेटिक प्लस इट्स ब्लेंड, सिंथेटिक ब्लेंड मतलब PB आ गया या पॉलिस्टर के साथ दूसरा कोई फाइबर मिला है, ये सब चीज़ का सिंथेटिक जिसमें 50% से ऊपर मतलब 40-50% होगा कम से कम, उस केस में आप ब्रेकर में 1.71, फिनिशर में भी 1.71 और सिंपलेस में 1.15 से 1.18 तक आप जा सकते हो सिंपलेस में। ऐसे ही PC ब्लेंड है तो 1.51 ब्रेकर में, फिनिशर में 1.41, 1.28 कोम्ड में और सिंपलेस में 1.13 और कोम्ड में 1.11, कार्डेड में 1.13। ये जो कम्बिनेशन मैंने बताया ये सबसे बढ़िया है। और इसके अलावा मैं आपको और 2-3 वैरायटी और बता दूंगा, उसके बाद हम रिंग फ्रेम का बताएंगे कैसे कैसे रखना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अपन ऊल विस्कस चलाते हैं, ऊल विस्कस में आपको मालूम होगा ऊल का लेंथ कम से कम 60 mm का रहता है और विस्कस भी उसी हिसाब से डालना पड़ता है। तो ये जब अपन ऊल विस्कस चलाएंगे तो ऊल और विस्कस में सबको मालूम है स्ट्रेंथ वगैरह कम रहता है, फिर भी लंबी फाइबर के कारण उसका ब्रेकर में 1.71 ब्रेक ड्राफ्ट देना, फिनिशर में 1.41 देना, सिंपलेस में 1.13 देना, ये ब्रेक ड्राफ्ट सही है। ऐसे कटन और मॉडल, कटन मॉडल में ब्रेकर में 1.51 है, 1.28 ये PC जैसा हो गया और 1.28 हो गया फिनिशर में, 1.12 हो गया सिंपलेस में। ऐसे पॉलिस्टर लिनन, पॉलिस्टर लिनन आपको एक बार मैंने एक टॉपिक में बताया था, लिनन का कोई लेंथ नहीं रहता है, उसका बिल्कुल शॉर्ट फाइबर जैसा रहता है, वो फाइबर में कोई दम नहीं रहता है, इसीलिए अपन हाई टीएम वगैरह देते हैं। तो पॉलिस्टर लिनन के केस में 1.51 ब्रेक ड्राफ्ट ब्रेकर में सफिशियंट है, 1.28 हो गया फिनिशर में, 1.10 हो गया सिंपलेस में। उसके बाद देखो रिसाइकल पॉलिस्टर है, उसमें ब्रेकर फिनिशर दोनों में 1.71 और रिंग फ्रेम में 1.25 तक जा सकते हो। कभी कभी तो रिसाइकल फाइबर चल कर नहीं देता, हम 1.28-1.3 तक भी चले जाते हैं, तो रिसाइकल फाइबर में थोड़ा ब्रेक ड्राफ्ट हर जगह ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपने रिंग फ्रेम का बात चल रहा है, जैसे कि अपना रिंग फ्रेम में मतलब वेरियस मटेरियल का क्या क्या ब्रेक ड्राफ्ट रहेगा उसके बारे में बता रहा है। सबसे पहले देखिए कटन कोर्स काउंट के लिए कार्डेड में 1.13, कोम्ड में भी 1.13 रिंग फ्रेम में मिनिमम ब्रेक ड्राफ्ट होता है, इसलिए इसमें
कोर्स काउंट में फाइबर लेंथ नहीं रहता, स्ट्रेंथ रहता है, पूरा कम से कम रखें। फिर बेल प्लकर सिस्टम में जो मटेरियल बनाते हैं जैसे 30 काउंट 40 काउंट तक 50 काउंट तक, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कार्डन में 1.14, कोम में 1.13 रखिए, और कटर मिलाज में थोड़ा बढ़ा के रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइबर जो रहता है फिर भी चिपका रहता है एक दूसरों से, कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए थोड़ा ब्रेक ड्राफ्ट 1.15 1.14 थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, ये कार्डन का ये कोम्ड का। फिर मीडियम एंड फाइन कटर, मीडियम एंड फाइन कटर में देखिए इसमें क्या रखा, 1.14 1.13 रखे, ठीक है। सुपर फाइन कटर में थोड़ा बढ़ा देना, 1.16 1.14 तक चलता है, और वो पीसी ब्लेड में 1.17 कार्डेड 1.15 कोम्ड। उसके बाद सिंथेटिक ब्लेंड में देखो 1.15 से 1.20, कभी कभी अपन 1.25 तक भी चले जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अगर वर्किंग ठीक नहीं है तो अपन बढ़ा सकते हैं। वूल विस्कस में 1.14 और कटन मोडल में 1.13, पॉलिस्टर लेलन में 1.15 और रिसाइकल पॉलिस्टर में 1.18 से 1.35 तक जा सकते हो। ये हो गया आपकी रिम फ्रेम का सेटअप, ठीक है। और इसके बाद हम बताने जा रहे हैं मतलब ब्रेक ड्राफ्ट का अपना बटम रोल गेज स्पेसर में क्या क्या रिलेशन है, ये सब बताएंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक ड्राफ्ट किसका ऊपर डिपेंड करता है वो आपको बताता हूँ। ब्रेक ड्राफ्ट जो है डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला अमाउंट ऑफ ट्विस्ट अप्लाइड टू फील्ड मटेरियल, जिस मशीन में अपना ब्रेक ड्राफ्ट कितना रखना है अपन पता करने से पहले वो पहले पता करेंगे, ये जो मटेरियल अपन फीड कर रहे हैं उसमें ट्विस्ट पहले से कितना है। ट्विस्ट अगर ज़्यादा है अपन को ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा, अगर कम है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, आप देखना अभी इससे पहले जो समझा, जैसे जैसे फाइबर का स्ट्रेंथ बढ़ता है उतना ब्रेक ड्राफ्ट चाहिए। स्ट्रेंथ जिसमें कम है मतलब कमज़ोर फाइबर जिसमें है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं जो फाइबर में, उसमें ब्रेक ड्राफ्ट कम चाहिए। लेंथ ऑफ फाइबर ये भी ऐसा ही है, लेंथ जिसमें ज़्यादा है उसमें अपन को ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट चाहिए, जिसमें लेंथ कम है उसमें कम चल जाएगा। उसके बाद देखो गेज ऑफ बैक जोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लो आप एक ड्राइंग में गेज रखा 42 और 44 रखा, ये हो गया बैक जोन का गेज, ठीक है। और आपने क्या किया ब्रेक ड्राफ्ट समझ लो इसमें 1.28 रखा, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपकी इसमें अनड्राफ्टेड आ रहा है, तो आप क्या करोगे ब्रेक ड्राफ्ट नहीं बढ़ा के इसको बढ़ाओगे, इसको 46 कर देना, बढ़िया काम दे देगा। हमेशा कोशिश करना ब्रेक ड्राफ्ट मिनिमम रखना है, हर स्टेज में कम से कम ब्रेक ड्राफ्ट रखना, चाहे आपको बैक जोन का गेज 2 mm 3 mm 4 mm बढ़ाना पड़े बढ़ा देना, लेकिन ब्रेक ड्राफ्ट जो स्टैंडर्ड से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना। ब्रेक ड्राफ्ट जितना बढ़ाओगे उतना उष्ट्र बढ़ेगा, यान क्वालिटी खराब होगा, मोटा पतला दिखेगा, फैब्रिक के अपीयरेंस भी खराब हो जाएगा। उसके बाद देखो टोटल ड्राफ्ट, टोटल ड्राफ्ट क्यों मानते हैं, जैसे कि अपन बिल्कुल वो मोटा काउंट चलाते हैं और उसमें ड्राफ्ट बिल्कुल कम है, जैसे कि आपको एक मेरा वीडियो देखना 2.5 काउंट जो पॉलिस्टर का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये दिखाया गया जैसे कि अपना 2.5 काउंट बना रहे अपना ड्राफ्ट 5 5.5 तक है टोटल ड्राफ्ट, उस केस में हम ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं रख सकते, उस केस में बिल्कुल मिनिमम रखना पड़ा, 1.13 रखे तब वर्किंग बढ़िया चला। अगर ब्रेक ड्राफ्ट उस केस में हम बढ़ा दिए 1.2 कर दिए 1.18 कर दिए, क्योंकि सिंथेटिक का माल था पॉलिस्टर का, तो वो अगर बढ़ा दूंगा तो मेन जोन का ड्राफ्ट बहुत कम हो जाएगा, अनड्राफ्टेड आने का चांस रहेगा, इसीलिए वो कभी कभी टोटल ड्राफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ब्रेक ड्राफ्ट। ब्रेक ड्राफ्ट टोटल ड्राफ्ट अगर कम रहता है तो ब्रेक ड्राफ्ट आप बढ़ा नहीं सकते तो ज़्यादा। उसके बाद देखिए स्पेसर, स्पेसर का क्या रोल है, समझ लो आपने एक सिंपलेक्स में आपने गेज रखा कितना 48 और 70 रखा, एग्जाम्पल 48 70 रखा, ठीक है।
ठीक है, तो 70 रखा इसमें, आपकी समझ लो सिंपलेस में स्पेसर रखा अपने 6.5 mm, ठीक है, और आपको बोला गया नहीं 6.5 बहुत भारी हो रहा है, ज़्यादा मोटा हो रहा है, अपन को इसको 5.5 mm रखना, तो 5.5 mm रखेगा तो दिक्कत क्या रहेगा, तो या 5.5 mm रखेगा तो अनड्रप्टेड का चांस रहेगा, तो इसको आप बढ़ा दीजिएगा, इसको अगर 5.5 किया तो इसको 70 की जगह 75 कर दीजिए, और ये ध्यान रखना जैसे पीछे का अपन गेज छेड़ेंगे ना क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, आपकी अगर आगे का गेज अगर छेड़छाड़ करोगे क्वालिटी में आईपीआई में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन पीछे का अगर 2-4 mm बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी में, तो ये स्पेसर से ऐसे ही रिलेटेड है, समझ लो आपके अनड्रप्टेड आ रहा है तो आपने स्पेसर चेंज करके देखा नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली क्या रहा तो बैक जोन का गेज बढ़ा देने का, तो ये भी होता है। उसके बाद देखो जैसे ब्रेक ड्राफ्ट आपकी कम है, समझ लो एक मशीन में 1.14 है, ठीक है, और स्पेसर आपके पास समझ लो 3 का लगा है, ये इसमें फिर भी अनड्राफ्टेड आ रहा है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 3 का स्पेसर लगा 1.14 ब्रेक ड्राफ्ट है, तो 3 का स्पेशल लगा रिम फ्रेम में तो फिर भी अनड्राफ्टेड आ रहा है, तो आप इस केस में क्या करोगे, तो वो ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा बढ़ा दोगे, इसको इतना ही रहेगा क्योंकि समझ लो आपके 3 का ऊपर स्पेशल है नहीं, तो इसको 1.14 की जगह 1.16 कर दोगे, तो ऐसे ही रिलेशन रहता है सिंपलेस में या रिम फ्रेम में स्पेशल के साथ ब्रेक ड्राफ्ट का ऐसे ही रिलेशन रहता है, अगर स्पेशल बड़ा करोगे तो ब्रेक ड्राफ्ट कम कर दोगे चलेगा, अगर ब्रेक ड्राफ्ट कम करोगे तो स्पेसर बड़ा कर दोगे, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद देखो उस्टर वैल्यू क्या होता है, कभी कभी आपने अगर ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा कर दोगे तो उस्टर बढ़ जाएगा, आपने ये देखे हुए हैं जैसे समझ लो कोई मैटर 1.71 ब्रेक ड्राफ्ट है, अगर ड्राइंग में 2.8 उस्टर आ रहा है, इसको अगर आप 1.51 कर दोगे तो 2.6 आ जाएगा, 1-2 पॉइंट कम हो जाएगा, ऐसे हर स्टेज में उस्टर जितना कम रहेगा, जो ब्रेक ड्राफ्ट जितना कम रहेगा उस्टर वैल्यू उतना कम रहेगा, उस्टर से डायरेक्ट लिंक है ब्रेक ड्राफ्ट के, RH परसेंटेज इन द डिपार्टमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ लो आपकी कोस्टल एरिया में आपकी सर्विस कर रहे हैं जहाँ पे RH कभी कंट्रोल नहीं होता, समुद्री इलाका है और नदी इलाका है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, जो आर्द्रता बोलते हैं वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करोगे आप, RH ज़्यादा रहता है कंट्रोल नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा उसमें ब्रेक ड्राफ्ट बढ़ा के रखना पड़ेगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रेक ड्राफ्ट काम नहीं करेगा, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के रखना पड़ेगा तो वो वर्किंग आएगा, वो मटेरियल टाइप का पता है, तो आपकी वेराइटी ऑफ मटेरियल जैसे है उसे उसी हिसाब से अपन ब्रेक ड्राफ्ट चेंज होगा, मटेरियल चेंज हो गया तो ब्रेक ड्राफ्ट उसी हिसाब से अपन करना पड़ेगा, और ये रहा पूरा ब्रेक ड्राफ्ट का टॉपिक, और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, थैंक यू।